नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड में इस बार हमने जो 60 पार का नारा दिया है उसे पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों में चुनाव करने वाली और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के पीएम के साथ चले, और ऐसी सरकार बीजेपी होगी, साथ ही बड़े बहुमत की सरकार होगी। हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। हरिद्वार में हमारी पिछली बार से भी अधिक सीटें आने वाली, और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार हमने 60 पार का जो नारा दिया वो 60 पार का नारा पूरा होगा। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों के बीच चुनाव करने वाली है, और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, और ऐसी सरकार। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय भगवंशी पंडित आशुतोष पांडे ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इस दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे, साथ ही हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए धन्यवाद दिया। वहीं पंडित आशुतोष ने कहा कि उत्तराखंड में हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाएंगे कराने के लिए। हम भगवान परशुराम यात्रा में निकालकर ये बताएंगे इन्होंने हमारा कैसे कैसे अपमान किया, कैसे कैसे मेरे मठ मंदिरों के साथ इन्होंने अपमान किया, कैसे कैसे मेरे ब्राह्मण पुरोहितों के साथ इन्होंने अपमान किया, ये हम सबको बताएंगे। साथियों, साथ ही मैं एक चीज से प्रभावित हूं। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इस समय पंजाब के प्रभारी भी हैं और वहां कांग्रेस की हुकूमत है। इन्होंने हमारे आग्रह पर वहां पंजाब में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन कराया है, इसके लिए मैं इनको पूरे धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने वादा किया कि उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर यह काम किया जाएगा। साथ ही पुजारी, जितने हमारे पुजारी हैं, हमारे पुरोहित हैं, इनको भत्ता देने का काम किया जाएगा। साथ ही जो भी कुंभ, हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक अलग पहचान लगता है कुंभ में। हमने इनसे आग्रह किया भगवान परशुराम का हर जगह हर चुराहे पर उनका चित्र लगे कुंभ के समय पर, ताकि देश के लोगों को यह बात पता चले। ये सभी बातों को देखते हुए आज हम ये ऐलान। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। दरअसल अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों का भी इस्तीफा सामने आया। तो वहीं इस्तीफा देने वाले ललित लटवाल और रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उनसे एक बार फिर बिना पूछे उनका टिकट काटा गया, जबकि उन्होंने आज अल्मोड़ा विधानसभा में अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने 2012 में पार्टी से बगावत की उसको टिकट दिया गया। दल कौन सा होता है? दल कौन सा है? दल तो हमारे पास है नहीं। हम दल दल में नहीं घूमना चाहते हैं। जनता के सामने आप परीक्षा देते हैं, जनता जज का काम करेगी हमारे लिए। मैं लड़ूंगा, मेरे साथी लड़ेंगे। अभी हम कौन लड़ेंगे हमारे डिसाइड नहीं किया है। और वैसे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे छोटे भाई ललित जी लड़ेंगे चुनाव, नौजवान हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनको हम चुनाव लड़ाने। आज बहुत सारा कम से कम आज बहुत से लोग थे यहाँ पर, ये जो डीलर खुद करेंगे, अपने मुझसे करेंगे, मैं नहीं कर सकता। बगावत कर दी है, इसको बगावत न्याय मांगते हैं। ये बगावत नहीं है, बगावत तो होती है। हाँ, ये बगावत नहीं है, ये न्याय है। अगर मैंने ये बिल्कुल माना था कि पार्टी मेरे लिए न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। और मेरे बड़े पदाधिकारी ने भी कहा था, जो हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें कहा था अन्याय नहीं होने देंगे आपके लिए। लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता के मन में एक यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारा जैसा राष्ट्रवादी संगठन अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करने वाला संगठन, क्या ऐसे लोगों को, कुछ लोगों के कहने पर ऐसे लोगों को क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भेजेगा, कि जिन्होंने अपने मन के अनुरूप निर्णय नहीं होने के कारण 2012 में जिस भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लिए इतना स्नेह और इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है, उन झंडों को अपने चौराहे में पांवों के तले रौंदा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में, जिनमें आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में जब जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का नाम आता है तो लोग सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, उनको
बहुत अपशब्द सार्वजनिक रूप से कहे गए जिसके वीडियो आज भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता को अपमानजनक शब्दों के साथ उनकी मैं आपके सामने वो शब्द बोल भी नहीं सकता, ऐसे शब्द किए गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस बात का सवाल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद सहसपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे अपनी सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सीट पर मुझे टिकट मिलने से कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे, अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होगा तो उसको भी मना लिया जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, कुछ लोग हो सकता है छोटी मोटी होगी, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट बची 17 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं लालकुआ विधानसभा सीट संध्या डालाकोटी के नाम के ऐलान के बाद एएनबी न्यूज से संध्या डालाकोटी ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दाव खेला है। संध्या डालाकोटी जो पूर्व में यहाँ ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आशीर्वाद दिया है टिकट का, मेरे साथ मौजूद हैं संध्या डालाकोटी, आप देख सकते हैं। टिकट मिलने के बाद भगवान के दर्शन करने आशीर्वाद लेने पहुँची, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आखिरकार लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से संध्या डालाकोटी का नाम फाइनल हो गया, क्योंकि लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, सर्वे कहीं ना कहीं आपके हक में थे, इसी का फायदा आपको मिला, क्या कहेंगी? धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के संगठन, केंद्र के संगठन को बधाई देती हूँ। उनने मेरे कार्य को देखा, जो मैंने जमीनी स्तर पर कार्य किए थे, संगठन ने भी उसको प्रदेश और केंद्र में पहुंचाया, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देती हूँ अपने केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को। इस क्षेत्र में मैंने 2002 से लगातार सक्रिय संगठन के रूप में यहाँ पर कार्य किया है, और मैं जितने भी मेरे आदरणीय लोग हैं मैं उनके पास जाऊँगी, उनसे देखो सब मेरे से बड़े हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने जाऊँगी। ये देखती हैं चुनाव को, क्योंकि समय कम है और क्षेत्र काफ़ी बड़ा है लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का, तमाम तरीके की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं और लोगों का जो भरोसा है कांग्रेस पर वो कहीं ना कहीं आपने पूरा करना है, किस तरह से निभाएंगी वो भरोसा? देखिए, मैं युवाओं को से ये कहना चाहती हूँ, मुझे अपनी बहन के रूप में आशीर्वाद देंगे। बुजुर्गों से ये कहना चाहती हूँ, मैं अपनी मुझे बहू के रूप में आशीर्वाद देंगे। और माताओं से ये कहना चाहती हूँ, मेरे को अपनी बहन के रूप में आशीर्वाद देंगे। तो मैं हर बूथ वाइज, हर पदाधिकारियों से मिलके, इस कांग्रेस संगठन से मिलके, अपने जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ पर सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष नीरज रैकवाल जी हैं, आदरणीय कैलाश दुमका जी हैं, आदरणीय प्रमोद कॉलोनी जी हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी हैं, सभी से मुलाकात करके मैं संगठन के बीच में जाऊँगी, क्योंकि टिकट कल ही हुआ है तो आज से मैंने शुरुआत कर दी है। अवश्य ये पूरा संगठन मिलजुल के माता का आशीर्वाद ले चुकी है और जनता के बीच में आने की बात करी। एक व्यक्ति और मौजूद है जो संध्या डालाकोटी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, सारी रणनीति कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई और आज जो टिकट आशीर्वाद मिला, किरण डालाकोटी हैं जो उनके पति हैं, उन सर बेहद बहुत मुश्किल समय है, 20 दिन का समय मिला है, आशीर्वाद मिल चुका है, किस तरह तैयारी करेंगे, रणनीति किस तरह तैयार की जा रही है? जितने लोगों ने भी दावेदारी करी सबको साथ लेके चलेंगे कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि मैं जब से कांग्रेस में हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के नाते मैंने कभी भी पार्टी के संग जुड़ के रहा, आज पार्टी ने उसका मुझे प्रसाद दिया है। और ये समझिए कि उसमें हमने कभी बगावत नहीं करी है ना। तो साफ तौर से संध्या डालाकोट लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से वो जीत का परचम लहरा करके वो सीट कांग्रेस की झोली में जरूर डालेंगे। अमित चौधरी, एनबी न्यूज, लालकुआ। विधानसभा नैनीताल सीट से मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संजीव आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें, वर्तमान विधायक संजीव आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जिसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में अनुमोदक और प्रस्तावक सतीश नैनवाल के साथ उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरकर संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन को सौंपा। नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें, नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने अपना पहला नामांकन दाखिल किया है।
कि मैंने आज माँ नंदा सुनंदा से आशीर्वाद लिया है और मैंने यही प्रार्थना की है कि नैनीताल विधानसभा के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, मेरे युवा साथियों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है और मैंने यही प्रार्थना की है कि जो जन विश्वास मुझको मिला था और जो आगे की भी मेरे सामने चुनौतियां हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं उम्मीदें हैं, माँ नंदा सुनंदा के आशीर्वाद से मुझे इतनी ताकत मिले, इतनी शक्ति मिले कि मैं सदैव उन जन विश्वास पर खरा उतर सकूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैं जिस जगह पर भी गया हूँ मैंने बड़ी ईमानदारी से पिछले 4.5 सालों में काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः नैनीताल के बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का पुनः अपने इस भाई को, अपने साथी को, अपने सेवक को आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर नैनीताल विधानसभा में हम बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयश्री प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास है। जितने काम हमने किए हैं और जितने अभी अवशेष हैं, निश्चित तौर पर सबके सामूहिक सहयोग से, सभी को साथ लेकर चलकर निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जो भी हमारे क्षेत्रांगत, इस क्षेत्र की सामरिक आवश्यकताएं हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, विकास के महत्वपूर्ण कार्य हैं, हम सब मिलकर आप सबके सहयोग से, सबके सहयोग से आने वाले समय में उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निर्वाचन आयोग के गदरपुर के आरओ रमेश त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ 2 लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो चूंकि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और समय से चुनाव होना जरूरी है संविधान के अनुसार, तो चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन इस समय चुनाव जो सामान्य तौर पर होते थे उससे अलग हैं, क्योंकि पहले ये होता था चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और अभी भी फ्री एंड फेयर होना है ये जरूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गया है कि फ्री फेयर के साथ सेफ चुनाव भी हों। इसके लिए कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत और उसको फॉलो करते हुए ही सारी प्रक्रियाएं पूरी की जानी है, जिसके क्रम में जो है ये तय किया गया है, कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 31 तक कोई भी रोड शो, जुलूस, रैली, सभा ये प्रतिबंधित है। इसी तरह पहले जो जुलूस में लोग नामांकन करने आते थे वो चीज़ प्रतिबंधित है। अभी के डेट में प्रत्याशी अपने साथ केवल 2 गाड़ियों में वो आ सकते हैं और आरओ के रूम में जब वो नामिनेशन देंगे तो प्रत्याशी के अलावा केवल 2 लोग ही आरओ कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग भी प्रवेश करेंगे उनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनका जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, तो चिकित्सा भी और सुरक्षा भी और उसके इन दोनों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयारी। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं तो वहीं विधानसभा चुनावों को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी जसपुर और रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि तहसील में मतदाता शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। जितने भी जसपुर विधानसभा में बूथ है सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। मतदाता दिवस में तहसील में अभी शपथ ग्रहण समारोह किया गया था, उसके बाद हमारे सारे के सारे जितने भी बूथ हैं वहां पर बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलवाई जाएगी और साथ ही ऑनलाइन डिबेट और हमारी पेंटिंग प्रतियोगिता स्कूलों में की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर खेल मैदान गोपेश्वर में आयोजित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई और 18-19 साल के नए मतदाताओं, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को शॉल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर स्थानीय जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया। स्थापित 12वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका हमने कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप उसका जो हमने उसको मनाया है,
हमने इसमें जो हमारे यंग वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, 80 प्लस वोटर्स हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। साथ ही साथ एक मानव श्रृंखला के माध्यम से सभी चमोली जनपद के वासी वोट दें, आगामी निर्वाचन में इसका एक संदेश भेजने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक मतदाता जागरूकता वाहन का भी हमने फ्लैग ऑफ किया है और अभी एक हम डेमोक्रेसी रन भी फ्लैग ऑफ करेंगे। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे कि इस बार आगामी जो 14 फरवरी को निर्वाचन है उसमें सभी मतदाता आकर बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाएं। हमारा जो बेसिक फोकस है, जो हमारे यंग वोटर्स हैं, हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं, हमारे 80 प्लस से ऊपर वोटर्स हैं, वो शत प्रतिशत मतदान करें। करीब 8,500 हमारे जो हैं 18 से 19 के हमारे जो एज गैप में वोटर्स हैं और ये इसी साल हमारे जो 2021 में ही सबका पंजीकरण हुआ है। तो मेरा सबसे यही संदेश है, अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर अपनी आगामी निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएं। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे, वैसे ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत पाने को लेकर जनता में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे, पर अपने आप को जनता का नुमाइंदा बनने की होड़ में अपने से ही नहीं जनता से भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे। अभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी किसी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं कराया गया। लेकिन नामांकन से पहले बसपा हो या आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर जनता में अपना पल्ला भारी दिखाने के उद्देश्य से भारी जनसैलाब काफिले के साथ गांव-गांव, शहर-शहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे और प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहा। सर्द हवाओं में भी उत्तराखंड में राजनीतिक पारा लगातार गर्मी बढ़ाए हुए और राजनीतिक दांवपेच में जहां एक खिलाड़ी दूसरे को पटकनी देकर बाजी मारने में जुटा हुआ, तो वहीं काशीपुर में भी कुछ ऐसा ही बुआ और बबुआ का खेल देखने को मिला, जहां बुआ और बबुआ का सियासी खेल सुर्खियों में बना हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों काशीपुर में 4 बार से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी हाईकमान द्वारा काशीपुर से टिकट दिए जाने के बाद जो आक्रोश पनपा और स्थानीय संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपने इस्तीफे तक देते हुए कहा कि यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो काशीपुर की ये भाजपा लॉबी बीजेपी के नेता राम मेहरोत्रा या फिर नगर निगम महापौर उषा चौधरी में से किसी एक को निर्दलीय मैदान में उतारेगी। व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और अभिव्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं होगी तब तक शायद जो मन के भाव है वो भी किसी को नहीं बताए जा सकते हैं। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सब अपना एक आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पदाधिकारियों के अंदर था, कार्यकर्ताओं के अंदर था, संगठन के अंदर था, एक अपना आक्रोश व्यक्त कर अपने प्रदेश नेतृत्व को ये अवगत कराया गया है कि जो कुछ भी हुआ उस वो निर्णय गलत था। एक सबका यही कहना था कि अचानक एक नए व्यक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसको चुनाव लड़ाई तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। शायद इसी कारण जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो हुआ और सभी ने अपना अभिव्यक्ति को व्यक्त किया और प्रदेश स्तर तक अपनी बात को पहुँचा। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो, तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है? कोई बड़े विरोध बड़े में नहीं हुआ है। दो मुख्य तौर पर दो हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं, राम रोहतरा और उषा चौधरी जी, वो मेरी बहन है और उनमें विरोध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विरोध एक आध दो दिन के अंदर अंदर या जल्दी वो विरोध ख़त्म हो जाएगा और हम सब मिलजुल करके इस सीट को, सवाल हमारे सामने आज ये नहीं है कि टिकट त्रिलोक को मिली है या किसको मिली है, हमारा जो हमारा लक्ष्य है
जो हमारी सोच है वो काशीपुर को पिछली 4 बार चुनाव जीत करके 20 साल से लगातार काशीपुर को भारतीय जनता पार्टी की झोली में रखा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे और त्रिलोक सिंह यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कल से हमने जनसंपर्क शुरू कर दिया है, और जैसे 20 साल से जनता से प्यार मिलता रहा है वैसे ही प्यार मिल रहा है, और इसी तरह उनके आशीर्वाद। बाजपुर के नैनीताल रोड पर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टी के झंडे लगाने का काम किया जा रहा था। प्रचार सामग्री लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में झंडों को जब्त कर लिया। जबकि पुलिस को देख प्रचार सामग्री लगा रहे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पकड़ी गई प्रचार सामग्री को FST टीम के सुपुर्द कर दिया। वहीं सुल्तानपुर पट्टी पुलिस और FST टीम ने मसवासी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख की नकदी को बरामद किया है। एक उस पे टुकटुक वाहन पे कुछ प्रचार सामग्री जा रहे थे, तो सूचना प्राप्त हुई कि सामग्री जो है बिना अनुमति के जा रही, तो हमने तत्काल पुलिस और जो हमारी FST टीम है उसको निर्देशित किया कि तत्काल सामग्री वो जब्त कर लें, जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करें। तत्पश्चात जो हमारी FST टीम है और पुलिस के द्वारा उस सामग्री को जब्त कर ली गई, और जो सामग्री ले जा रहा था वो शायद भाग गया वहाँ से। और जो रकम की बात है, तो कल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी वहाँ बॉर्डर पे, तो वहाँ कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे, तो तत्काल उन्होंने सूचना दी और FST को भी सूचना दी। FST भी गई और उनसे कागजात मांगे, वैध प्रपत्र की कहाँ से पैसे लाए जा रहे हैं, तो वो प्रपत्र नहीं दिखा पाए, तो उस पैसे को जब्त कर लिया गया, जब्त करके ट्रेजरी में जमा कर लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति चल रही, वहीं पर इसी क्रम में पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चौधरी यशवीर सिंह के कांग्रेस में आने के बाद जनपद हरिद्वार में राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे, तो इसी क्रम में आज पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने समर्थकों संग बैठक कर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया है। कल हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो आज जितने साथी हैं उन्हें सबको बुलाया है और उनसे सिर्फ एक ही आग्रह किया है कि पार्टी के उस पर काम करना है आपको और यहाँ से कांग्रेस को जिताना है। देखो, सब लोग अच्छे लोग हैं, मैं जो समझता हूँ टिकट तो एक को ही मिलना था, चाहे प्रत्याशी कितने ही हों, सप्लाई सब करते हैं, टिकट एक को मिलता है, तो जिसको टिकट मिल गया सोनधारी करके उसको ही जिताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, कि काफ़ी अच्छी ऑटो से जो है ये 2-3 सीट जिसमें मेरा वर्चस्व है, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे झबरेड़ा हो, चाहे मंगलोर हो, चाहे खानपुर हो, चाहे लक्सर हो, यहाँ तक रुड़की भी हो, हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। आप लोगों के माध्यम से समस्त कस्बेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये भारतवर्ष आपका है, इसको हिंदू और मुस्लिम में मत बांटिए, इसकी उन्नति इसकी प्रगति के बारे में सोचिए। आप लोगों को भारतवर्ष बनाना है कि हम विश्व में सबसे ऊपर जाएं। भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मंगलवार को चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। इस दौरान उनके साथ सीमित संख्या में कार्यकर्ता नामांकन करने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी अग्रवाल के साथ पहुंचे। नामांकन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रत्याशी प्रेमचंद ने कहा कि उनकी और क्षेत्र के मतदाताओं की नजर कमल के फूल पर है, लिहाजा प्रतिद्वंदी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दावा किया कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा मतों के अंतर से ऋषिकेश सीट पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि चौथी बार मुझे ऋषिकेश विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे पूरे 5 साल जो मैंने विकास कार्य किए हैं, मेरी प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के अंदर विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, यहाँ से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, यहाँ से चारधाम
मार्ग की बात हो, 158 करोड़ से गंगा जी को पवित्र करने की बात हो, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कोरोना के दौरान एक एक व्यक्ति की चिंता की है, हमारे क्षेत्र में चिंता की है, और बार बार बीच बीच में माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इन तमाम योजनाओं में रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हम चौथी बार बहुत बड़े अंतर से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। ऐसा बाबू की है और जिम्मेदारी हम सब की ही है। जब पार्टी की बात होती है तो पूरी पार्टी ऐसे वक्त पर एकजुट रहती है हमेशा, और हमारी सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं। इस हरिद्वार लोकसभा से जितनी सीटें हम पिछली बार लाए उससे भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण है, जो पार्टी ने तय किया है कि इस बार 60 पार, उस नारे के साथ हम बहुत सशक्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों में स्वभाव के बहुत उत्साह भी है, क्योंकि जो हमने कहा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।